गांवा प्रखंड के अमतरो पंचायत अंतर्गत तितरिया ताड़ में ग्रामीणों ने वोट बहिष्कार का फैसला लिया है। ग्रामीणों ने बताया कि यहां 50 वर्षों से लोग निवास कर रहे हैं और यहां सरकारी मूलभूत सुविधाओं की अभाव है। प्रत्याशी वोट से पहले सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने की वादा करते हैं, पर चुनाव जीत जाने के बाद फिर कोई पूछने तक नहीं आते हैं। यहाँ एक प्राथमिक विद्यालय भी है, विद्यालय आने जाने के लिए रास्ता तक नहीं बनाया गया। बीच में एक नदी भी है जिस पर पुल नहीं है, जिसके कारण बरसात में काफ़ी दिक्कत होती है, कहीं भी आना जाना नहीं हो पाता। पंचायत के मुखिया जी ने कहा था कि रोड बनवा देंगे, लेकिन अब तो इधर आते ही नहीं हैं। ग्रामीणों ने इस पर लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को वोट नहीं देंगे कहा, इस बार लोकसभा वोट का बहिष्कार करेंगे। आपको बता दें कि तितरिया ताड़ में लगभग 50 वर्षों से सड़क और पानी की बड़ी समस्या है और आज तक किसी भी प्रतिनिधि ने इस पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए गांव के ग्रामीणों ने इस बार लोकसभा में चुनाव में वोट नहीं देने का निर्णय लिया है। मौके पर साजिद मियाँ, छोटे लाल मियाँ और नाबिद समेत कई ग्रामीण मौजूद थे। देखिए, आज हम लोग यहाँ ये बस्ती जो बसा हुआ है करीब लगभग 50-52 साल हो गया, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे स्कूल भी बना और स्कूल बनने के बाद आज हम लोग 10 साल से रोड के लिए रिप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मुखिया आता है तो वो बोलता है हाँ हम करा देंगे, वो बोलता है हम करा देंगे। इस तरीके से एक से दो बार चुनाव हो गया, ठीक है। अभी हम लोग दूसरे का ज़मीन में जाते हैं, चौधरी लोग का ज़मीन है, उधर से जाते हैं और ये देखिए रोड जो है से इस तरीके से बहुत बहुत मतलब दिक्कत है यहाँ सभी पब्लिक को, हैं। इसलिए हम लोग वोट का जो है से बहिष्कार करना चाहते हैं। काय के लिए वोट देंगे पर हम कम से कम 25-30 वर्ष हमारा आने में हो गया, कि अभी तक कोई चीज की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। रहने सहने का एकदम बुन बदरी आता है तो उधर छक जाते हैं, 11 बजे रात लो 12 बजे रहते बीता, कभी वो रास्ता जाते हैं तो कभी वो रास्ता जाते हैं, एकदम परेशानी है। तो इंसान किसी का वोट नहीं देंगे, रास्ता की दिक्कत है।